गंदे पानी के जल भराव से त्रस्त है गोवर्धन की बाराद्वारी कॉलोनी के नागरिक। गंदे जल भराव से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने की आशंका। गोवर्धन, कस्बा गोवर्धन की बाराद्वारी कॉलोनी के नागरिक गंदे जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नगर पंचायत को बार बार समस्या से अवगत कराने के बाद भी समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बता दें कि नगर पंचायत गोवर्धन के कार्यालय के पिछवाड़े में बाराद्वारी कॉलोनी बसी है। कॉलोनी थोड़ी नीची है, हर वर्ष बारिश के सीजन में कॉलोनी में जल भराव की समस्या बन जाती है तथा लंबे समय तक जल भराव रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी पैदा हो जाता है। कॉलोनी के बगल से जाने वाले नाले में ज़रा सा जल भराव होते ही नाले का पानी कॉलोनी में घुस जाता है। गंदा कीचड़ युक्त पानी होने के चलते कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों का जीना दुभर हो जाता है। गत कुछ दिनों से फिर कॉलोनी में नाले के गंदे जल भराव की समस्या बन गई है। कॉलोनी के नागरिक जैसे तैसे गंदे पानी से बचते हुए निकल पाते हैं। कॉलोनी में बने स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने भी गंभीर समस्या पैदा हो गई है। छोटे छोटे बच्चे ईंटों पर पैर रखकर या परिजनों के साथ बाइक पर बैठकर निकलते हैं। कॉलोनी वासी निरोति सिंह, सलीम खान, गिरधारी लाल शर्मा, शंकर शर्मा ने बताया कि बार बार नगर पंचायत पर सूचना देने के बाद भी ना तो चेयरमैन और ना ही कोई ईओ ने समस्या का निराकरण करवाया है। कोई भी कॉलोनी के नागरिकों की समस्या सुनने को नहीं आता। गंदे पानी से मच्छर पैदा हो गए हैं। लोगों की बीमारी का डर सताता रहता है। माननीय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। कहाँ रहते हैं आप? आप इसी बाराद्वारी में रहते हैं। नगर पंचायत के पीछे कॉलोनी है, इसमें गली है, इसमें बच्चे निकल रहे हैं, पानी भरा हुआ, गंदा पानी आ रहा है पोखर से और कोई इसकी साफ सफाइयत नहीं हो रही है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो ये पानी कब से भरा है? पानी 2-3 दिन से बिल्कुल आ रहा है, इस पोखर से पानी आ रहा है और बरसात में आ जाता है पानी तो भर जाती है एक गली। तो जब आप बता रहे हैं नगर पंचायत के पीछे, तो क्या आपने नगर पंचायत को बताने का प्रयास नहीं किया? हमने कई बार बताने का प्रयास किया पर कोई सुन नहीं रहा है। हमारी दुर्गंध आ रही है इस पानी में, दुर्गंध आ रही है, गंदा पानी, टट्टी पेशाब सब बह जा रहे हैं। आपका क्या नाम है और क्या समस्या है? मेरा नाम कॉलोनी था, यहीं का रहने वाला हूँ। विद्यालय यहाँ पर चल रहा है, बच्चे पानी में होकर निकल रहे हैं। मैं टाउन एरिया पर भी गया था, वहाँ चेयरमैन साहब से भी शिकायत की थी मैंने। चेयरमैन साहब इस समय बीमार हैं, वो यहाँ पर है नहीं, परंतु कर्मचारियों से मैं कई बार कह के आया हूँ, परंतु वहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला। अब मैंने जब नानक से बात की अभी, तो उन्होंने ये कह दिया है कि मैं पूछ रहा हूँ अभी, परंतु मैं कम से कम 8 दिन से कह रहा हूँ कि यहाँ गंदगी में टट्टी पेशाब बह रहे हैं, बच्चे निकलते हैं रोजाना, पूरे शहर के बच्चे आते हैं कस्बे से और सफाई का नाम नहीं। क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम गिरधारी लाल शर्मा है। ये 8 साल की परेशानी है, ये कई बार टाउनरिया जाके कई बार कंप्लेंट कर दी है, कोई सुनवाई नहीं। हर बार का यही है, यहाँ पर स्कूल भी है, बच्चे पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे बच्चा निकलने में परेशानी है, बीमारियों का पूरा घर बना हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। जी ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पोखर का पानी आ रहा है, सीवर रुके हुए हैं पूरे सीवर। टाउन एरिया में कहा आपने, नगर पंचायत में कहा था? नगर पंचायत में कई बार जा चुके हैं, कई बार आई है, कोई सुनवाई नहीं है।